हे गाइस, मेरा नाम है अबू जर, फूड अराउंड अस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जाने वाला हूँ नवाब ढाबा, जो भिवंडी में है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस। सो गाइस, अभी हम लोग नवाब ढाबा पहुँच गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे ऑर्डर करना है, क्या प्राइजेस है और कम से कम के बजट में आप कैसा पेट भर के खा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ढाबे पे 60-70% बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं कि ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, चिकन वगैरह ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, जिस वजह से उनको पार्सल ले जाना पड़ता है। बस इस वीडियो में आपको मैं इस तरीके से आपको ऑर्डर करना बताऊंगा कि कैसा ऑर्डर करना है, क्या टेस्ट है, क्या सर्विस है, सारे रिव्यू मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फूड अराउंड अस को, मेरे जो नया चैनल है, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं और पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। सो गाइस, ये है नवाब ढाबा और इसे कुछ एम्बियंस में आपको दिखा देता हूँ। ये है बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स, थोड़ा बच्चों के एडवेंचर्स के लिए है यहाँ पे अवेलेबल। और देखिए कुछ इस तरह की लाइटिंग्स वगैरह रहेगी, सेटिंग वगैरह है, और स्पेशली इसमें फैमिली रूम अलग होता है। जो जैसे ये देखिए वो साइड में ये फैमिली रूम है जिसमें पर्दा वगैरह लगे रहते हैं लेडीज के लिए स्पेशल। तो यहाँ पे फैमिली का भी इंतजाम रहता है, यहाँ पे हर ढाबे पे रहता है। और अभी ढाबे पे GST भी एप्लीकेबल हो गया गाइस, तो उस बात को ध्यान रख के आइएगा कि GST एप्लीकेबल है यहाँ पे। अब हर ढाबे पे GST एप्लीकेबल हो गया है। सो ये आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड आपका फैमिली रूम है और राइट साइड पे भी फैमिली रूम, या जो ओपन माइंड्स के होते हैं वो यहाँ पे अपने फैमिली को लेके बैठ सकते हैं, जिनको पर्दे वगैरह की जरूरत नहीं होती। सो फिलहाल हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं यहाँ से। और गाइस, ये है देखिए लोअर सीटिंग, जो राजा महाराजा के साथ उनको जो खाने का पसंद होता है, क्योंकि ढाबे पे जो भी लोग आते हैं ऑलमोस्ट आराम से खाने के लिए रिलैक्स होके खाते हैं। सो कुछ इस तरह की आपको सीटिंग मिलेगी, लोअर सीटिंग मिल सकती है। और आपको कुछ खटिए वगैरह की अगर सीटिंग चाहिए तो यहाँ पे देखिए ये इधर भी अवेलेबल है। चलिए अभी फूड का ऑर्डर करते हैं, कैसा ऑर्डर करना है मैं सब बताता हूँ आपको। सो गाइज, अभी आपको ऑर्डर क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। चना लहसुन आपको मालूम है कि ढाबे का मेन रेसिपी होता है, और जो मेन है सबसे पहला आदमी ये खाने के लिए तो दूर से आता है। तो आप जैसा 8 लोग हैं ना, तो आपको 8 चना लहसुन मत ऑर्डर करो, क्योंकि एक हिसाब एक चना लहसुन से ना एक आदमी का पेट भर जाता है। तो आप 4 में 8 करवाइए, या 4 में 10 भी करवाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर आता है आपका स्टार्टर। मैं बोलूँ आप यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कोई ग्रेवी का आशिक है, जिसको बहुत ग्रेवी पसंद है, बहुत लवर है, तो ग्रेवी एक ही चिकन में वो भी आधा ऑर्डर करे, पूरा ऑर्डर ना करे, क्योंकि ग्रेवी में ऑलमोस्ट ग्रेवी बच जाती है, रोटी भी बच जाती है और बाद में राइस भी बच ही जाता है और बाकी पार्सल करना पड़ता है। सो उससे बेटर है कि आप मुर्गी ऑर्डर करो, जैसा 8 लोग हैं तो 3 मुर्गी ऑर्डर करो। एक मुर्गी कहीं पे 500 है, कहीं 550 है, विद बोन विदाउट बोन 50 रुपीज का फर्क है, डिफरेंस है, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो आपको अगर 8 लोग हैं तो आपको 3 मुर्गी ऑर्डर करें और उसमें आप 6 स्टार्टर मंगा लें तो बेटर रहेगा। और हम लोग ज़्यादातर स्टार्टर ही खाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ग्रेवी बहुत बार ट्राई किया है, तो ग्रेवी से ज़्यादा यहाँ पे स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं। और ये सब हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स लोग हैं, जितने ये बैठे हैं सब हमारे कॉलेज के फ्रेंड है। सो गाइज, आपको इसका टेस्ट आपको थोड़ा चटपटा मिलेगा, क्योंकि ये सलिया कबाब है। और अभी हम लोग ने ऑलरेडी और 5 हमने ऑर्डर किया है स्टार्टर, उसका भी टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये क्या क्या है? मलाई कबाब। ये मलाई कबाब है, वाओ यार कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ। और ये कौन सा कबाब है? पहाड़ी कबाब। सो गाइज देखिए, मलाई यहाँ पे देखिए, इसके स्मोक भी कितना अच्छे से निकल रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है भाई, बहुत जबरदस्त। देखो गाइज, ये हम लोग को सर्व कर रहा है, आप इनसे ही सर्विस ले, 20 नंबर इनका। नहीं नहीं फिक्स है, देखो उनके आर्म्स पे दिखाओ आपके 20 नंबर, ये एम्प्लॉय के नंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो आप इनको यहाँ पे अगर नवाब ढाबा पे आओगे तो आप इनसे सर्विस ले, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं भाई। सो गाइस, ये पहाड़ी कढ़ाब आपको थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा, और मलाई का तो आप टेस्ट जानते हैं, ये मलाई तो हमेशा थोड़ा सा स्पाइसी, ये मलाई आपको थोड़ा सा क्रीमी टाइप का रहेगा, मिठास रहती थोड़ी सी, हल्की स्वीट रहता है ये। सो गाइस, अभी मलाई टिक्का की बात करें ना, तो ये पहली बात तो ये सिजलर जैसा सिजलर में बना के लाया मलाई टिक्का, और मैंने बहुत ढाबे पे मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, बट नवाब के ऐसा मुझे मलाई टिक्का कहीं पसंद है, क्योंकि इसका मलाई और इसका जो
गोश्त होता है, मटन जो भी होता है, वो एक दूसरे में अच्छे से मर्श किया हुआ है, मतलब अच्छे से मिलाया हुआ रहता है। बाकी और कहीं पे जाएंगे ना तो आपको मिला हुआ मिलेगा, लेकिन मलाई हमेशा आपको अलग ही मिलेगी, मतलब ज्यादा दोनों को मिला हुआ नहीं आएगा, दोनों एक साथ मर्ज नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे आपको मर्ज मिलेगा, टेस्ट बहुत जबरदस्त है। चना लहसुन का मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट बाकी अभी तक मैंने 3 स्टार्टर ट्राई कर लिया गाइस, बहुत जबरदस्त टेस्ट है। टेस्ट के ऊपर अगर मैं स्टार देना चाहूँ तो 5 out of 5 दूंगा मैं इनको टेस्ट के लिए, और सर्विस के लिए भी 5 out of 4.5 दूंगा। सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ की। तो गाइस ये है नवाबी और ये तड़का वाला स्टार्टर, और हम लोग का स्पेशल डबल एग का विथ चीजी, और इसमें आपको नवाबी में आपको थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ में आता है। इसका टेस्ट आपको मिलेगा जो अपना चिकन चिल्ली होता है, ऑलमोस्ट उसके साथ बढ़िया, थोड़ा लाइटली स्वीट और थोड़ा तीखा होता है हल्का से। सो गाइस टेस्ट यहाँ का बहुत जबरदस्त है नवाब का, खाली चना लहसुन थोड़ा मेरे को उतना खास नहीं लगा, मेरे मतलब किसी फ्रेंड को अच्छा नहीं लगा। सर्विस बहुत जबरदस्त है, टेस्ट के लिए मैं बोले ना 5 out of 5 दूंगा, सर्विस के लिए भी 5 out of 5 दूंगा। यहाँ पे एक बार आप जरूर विजिट करो, नवाब करके है नवाब ढाबा, जो शालीमार के थोड़ा पेट्रोलम से लेफ्ट मार के गली के अंदर आता है ये, तो आप यहाँ पे आके जरूर विजिट कीजिएगा। और ये शिमला के जस्ट सामने ही है, शिमला ढाबा के जस्ट सामने ही है। टेस्ट बहुत जबरदस्त है, और हमारा बिल गिरा है 7 लोग के अंदर सिर्फ 2618 रुपये का बिल गिरा है विथ GST। तो यहाँ पे GST अप्लीकेबल है, उसे इसका ध्यान रख के जरूर आएगा। सो आप जब भी यहाँ पे आए तो मुझे कमेंट करिए कि आपको टेस्ट कैसा लगा या कि सर्विस कैसी लगी। मुझे तो बहुत बढ़िया टेस्ट लगा, बहुत अच्छी सर्विस लगी, क्योंकि अभी मुझे एक नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ गोल्डन ढाबा का, वह ऑलरेडी मैंने बना चुका है, बट उसका मुझे टेस्ट सर्विस सब गंदी लगी, वो आप मुझे वो वीडियो में देख लीजिएगा। बट इस वीडियो का मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें जाने से पहले।